हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइवर सीरीज के बाद द शील्ड का कौन होगा नेक्स्ट अपोनेंट। दोस्तों, सारे लोग रोमन रेंस के रिटर्न का वेट कर रहे हैं। जब वो रिटर्न करेंगे तब रॉ टीम को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सर्वाइवर सीरीज के लिए। पर डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस की मैच है द उसोस के साथ सर्वाइवर सीरीज में। ये मैच WWE को इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि रोमन रेंस बीमार पड़ गए थे, नहीं तो वो शील्ड की मैच ही रखते सर्वाइवर सीरीज में। पर आपके लिए एक गुड न्यूज है दोस्तों कि सर्वाइवर सीरीज के बाद हमें शील्ड की एक और मैच देखने मिलेगी। पर उससे पहले मैं आपको एक बड़ी न्यूज बताना चाहता हूँ कि डेव मेल्सर ने कहा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकते हैं द मिज, और वो चैलेंज करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉन स्ट्रोमैन की मैच एक्चुअली केन के साथ होने वाली थी सर्वाइवर सीरीज में, पर वो अब कैंसिल हो चुकी है। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केन की मैच हमें हाउस शो में देखने मिली गई और आगे रॉ में भी देखने मिल सकती है। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि पिछले रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मिस जुराज को अटैक किया था, वहीं से इस फ्यूड की शुरुआत हुई। और ये मिस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एक न्यू फ्रेश फ्यूड है, जहां हमें देखने भी मिल सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना पहला टाइटल जीते और वो होगा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। और रही बात शील्ड की, तो डेव मेल्सर ने कहा कि जैसे आपको पता होगा कि रॉ में केन ने डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस को अटैक किया, और केन ने तो रोमन रेंस पर भी अटैक किया था स्टील केज मैच में। इसलिए जब रोमन रेंस वापस आएंगे इंजरी से, तब शील्ड जरूर बनेगी और उनकी फ्यूड होगी केन, शेमस एंड सिजारो से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, केन अभी अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब रोमन रेंस वापस आएंगे और शील्ड फिर से एक होगी तो किसका पलड़ा भारी होगा। तो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगेगा अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, और क्या शील्ड केन, शेमस एंड सिजारो को हरा पाएगी। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।